दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है और 10 जुलाई से सावन के व्रत शुरू होने वाले हैं। सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, यही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले सोमवार को शिवलिंग में चढ़ाएं ये खास चीज़, शिव जी माँ पार्वती की होगी कृपा, कभी नहीं होगी आपके घर में धन की कमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सावन मास का पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ शिवलिंग में जल चढ़ाते समय ये उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिव का अत्यंत प्रिय माह सावन माह चल रहा है। सावन माह के हर एक सोमवार का विशेष महत्व है, जिसे सावन सोमवार कहा जाता है। इस साल के सावन सोमवार काफ़ी खास हैं, क्योंकि अधिक मास होने के कारण पूरे 8 पड़ रहे हैं। ऐसे भगवान शिव की पूजा के लिए अधिक दिन मिलेंगे। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को विशेष पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही भक्तगण शिव भगवान शिव को जल, दूध, शहद, भस्म, बेलपत्र, आग के फूल, धतूरा जैसे कई शुभ चीज़ें अर्पित करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाते समय उपाय करने से वह जल्द ही प्रसन्न होते हैं। सावन माह में भगवान शिव के ऊपर काफ़ी भार बढ़ जाता है। ऐसे में माँ पार्वती के साथ माँ गंगा दोनों भार संभालती हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन कांसे, तांबे या फिर चांदी के 2 लोटों में जल भर लें। अगर 2 लोटे नहीं हैं तो आप एक पात्र के ऊपर कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन 2 पात्र होना ज़रूरी है। इसके बाद दोनों में से एक के साथ शिवलिंग में जल अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं। धन धान्य, खुशहाली, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है तो सावन सोमवार के दिन 1 लोटा जल में कुछ बूंदे गन्ने के रस की डाल लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में दोनों हाथों को जोड़कर अपनी मनोकामना कह दें। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनचाही मुराद पूरी होती है। दोस्तों, शिवलिंग में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख किस ओर है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे में इस दिशा में मुख करके जल चढ़ाने से रास्ते में अवरोध होता है, इसलिए हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है जो माँ पार्वती को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, इसलिए कभी भी जल चढ़ाते समय तेज धारा ना अर्पित करें, बल्कि धीरे धीरे चढ़ाएं और शिव मंत्र का जाप करते रहें। तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में जल लेकर सबसे पहले जल हरि के दाईं ओर चढ़ाएं, जो गणेश जी का स्थान माना जाता है। जल चढ़ाते समय गणेश मंत्र को बोलें। दाईं ओर जल चढ़ाने के बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं। इसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। दाईं ओर बाएं ओर चढ़ाने के बाद जल हरि के बीचों बीच जल चढ़ाएं। इस स्थान को शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी की मानी जाती है। अशोक सुंदरी को जल चढ़ाने के बाद जल धारी के गोलाकार हिस्सा में जल चढ़ाएं। इस स्थान को माँ पार्वती का हस्त कमल होता है। अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे शिव मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। शिवलिंग में जल अर्पित करते समय हमेशा बैठ जाएं। माना जाता है कि खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो उसे भूलकर भी कोने या किसी ऐसी जगह पर न रखें जहां आप उसकी पूजा न कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखाने के लिए कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान शिव एक पुरुष देवता हैं, इसलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी ना चढ़ाएँ। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और चढ़ा दिया। ऐसा करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें कि दूध बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो।
दोस्तों रोजाना स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र ठंडा रहता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना है। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि आप इसकी जगह पर कच्चा नारियल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।